Disco. हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं फिर से इधर सिहावा नगरी रोड में धमतरी से माँ परमेश्वरी ट्रैक्टर सर के। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड है, पुराने ट्रैक्टरों एवं कृषि उपकरणों के विक्रेता घर। यहाँ आपको महिंद्रा का ट्रैक्टर है, न्यू हॉलैंड है, ऐसे बहुत सारे ट्रैक्टर्स दिखाने वाला हूँ, करीबन 10-12 ट्रैक्टर, जिसमें आपको ट्रॉली भी मिल जाएगा, थ्रेसर भी है यहाँ। तो बताते हैं, मैं हूँ चित्रांश देवांगन, आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ ब्लॉग चित्रांश में। आज के इस वीडियो में देखते हैं प्राइस कितने होने वाला है और कौन सी मॉडल है, देखते हैं फाइनेंस के लिए कितना देना पड़ेगा। तो पूरा डिटेल्स भैया को बुलाएंगे और उसी के माध्यम से पूरा बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो भैया को बुलाते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्रांश1245। तो चलो स्टार्ट कर। हमारे साथ है रवि भैया, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। बताइए आज क्या क्या कलेक्शन दिखाने वाले हैं? गाड़ियों का कलेक्शन तो अभी स्टॉक में है अपने पास। ये जैसे कि अपने पास है एक महिंद्रा का डोजर है ना, डोजर 605 नोवो के साथ में है। अर्जुन नोवो। ये है अपना 2017 का मॉडल है। अच्छा, 17 का मॉडल। ये पूरा कंप्लीट रहेगा क्या ट्रॉली वगैरह के साथ? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ डोजर और इंजन है। अच्छा, डोजर और इंजन के साथ ये हुड वगैरह पूरा कंप्लीट करके, हुड वगैरह बैटरी वगैरह सब कंप्लीट करके देंगे। मॉडल कौन सा बताए? 2017 का। 17 का मॉडल। टायर नए लगे हुए क्या? टायर नया लगा हुआ है पीछे का। अच्छा, कितने एचपी में आता है ये? है 60 एचपी का। 60 एचपी में आता है। कितना रनिंग हुआ वो? ये तो चला है मात्र 900 घंटे कुछ चला हुआ है। सिर्फ 900 घंटे चला हुआ है। अच्छा, और पासिंग कहाँ है अपना? ये 19 पासिंग है, कांकेर का। कांकेर की पासिंग है। और ये अभी आपके पास और कितने प्राइस में? सबसे नीचे में अभी सबसे नीचे प्राइस में तो अपने पास है गाड़ी 1,10,000 से स्टार्टिंग। 1,10,000 से स्टार्टिंग। और कम में भी मिलता होगा अभी फिर सीजन आ रहे तो? कम में मिल जाता है, 60,000-70,000 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी जो स्टॉक में अपने पास मिनिमम है वो है 1,10,000। 1,10,000 से। इसका प्राइस क्या होने वाला? ये आएगा आपको 4,500 में, डोजर विथ कंप्लीट करके अपन पूरा कंप्लीट। ये न्यू में क्या पड़ता होगा? डोजर के साथ तो लगभग 9.5-10 लाख रुपए का जाता है। 9.5-10 लाख आपके पास 4,500 में। 4,500। और ये पेपर नाम ट्रांसफर का अलग से लगेगा? अलग से लगेगा। और आपके पास फाइनेंस कराने के लिए कितना देना पड़ेगा ट्रैक्टर? इसमें तो डाउन पेमेंट वही 1.5 लाख के आसपास लगेगा, बाकी हो जाएगा फाइनेंस 1.5 लाख के आसपास ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। ये है महिंद्रा का 475 DI, भूमि पुत्र में है क्या? सरपंच मॉडल है। सरपंच मॉडल है। अच्छा, सरपंच मॉडल है ये जो बता रहा था ना, 1,10,000 का वही ट्रैक्टर है। 1,10,000 रुपए का है। 2007 मॉडल गाड़ी है ये। हाँ, 2007 की मॉडल है। 2007 की। रनिंग कितना हुआ होगा? रनिंग तो है, पुराना मॉडल है, बहुत हो गया होगा। पासिंग कहाँ का होगा ये? तो धमतरी पासिंग है अपना। धमतरी पासिंग है। अच्छा, क्या डिमांड रखे इसका? 1,10,000 रुपए में कंप्लीट है। एकदम कंप्लीट है, कुछ नेगोशिएबल प्राइस? नहीं नहीं, और कुछ नहीं है। अच्छा, जो है एकदम फिक्स है ये प्राइस? फिक्स है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे महिंद्रा का B275 DLX में ना, ये TU वाला TU मॉडल है। हाँ, बताइए कौन सी मॉडल है ये? आपके 2013 मॉडल है। हाँ, अभी जो कंडीशन में खड़ी है उस कंडीशन में इसका रेट है 1,90,000 रुपए। 1,90,000। 1,90,000। इसमें हुड वगैरह देंगे? क्या रनिंग हुआ होगा ये? चला है लगभग 2,200। अच्छा, और पासिंग कहाँ का है ये? रायपुर पासिंग है अपना, 04। 04। अच्छा, इसके बाद है महिंद्रा का ये, वो ये अपना न्यू कंडीशन ही है 2017-18 का मॉडल है ये। 17-18 धमतरी, यही का पासिंग? धमतरी का पासिंग है। हाँ, ये ऑल टोटल कंप्लीट करके हो जाएगा ये अपने को 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख में। रनिंग कितना होगा?
रनिंग चला है ये 1800। ये इसका पूरा कंप्लीट करके दोगे आप? पूरा वगैरह ना, अच्छा बैटरी। इसके बाद और कौन कौन सा ट्रैक्टर है अभी? गाड़ी तो बहुत सारी है। चलो आइए देखते हैं। यहाँ सोनालिका का है अपना, सोनालिका 740। इसका डिमांड बहुत रहता है, सबसे ज्यादा डिमांड है गाड़ी में। 42 HP में, 42 HP में आता है। पावर स्टीयरिंग है ये, 2019 के मॉडल है। अच्छा रनिंग कितना होगा? रनिंग मात्र 1100 घंटा चला हुआ। 1100 घंटा चला हुआ ये, एकदम न्यू कंडीशन में अभी तो देखे तो एकदम फ्रेश है कंडीशन इसके। टायर वायर देखना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, टायर वगैरह सब। क्या डिमांड रखे इसका? ये गाड़ी है आपको 4,35,000 रुपए में आ जाएगी। 4,35,000 न्यू में क्या पड़ता होगा? न्यू तो लगभग 7 लाख रुपए का रेट। 7 लाख, 7 लाख के आसपास जाएगा। बाकी पूरा ओके है ना इसमें? बाकी सब पासिंग अपना ये बालोद, ये बालोद पासिंग। एक और है इधर महिंद्रा का है, 475 भूमिपुत्र। बताइए सर इसका मॉडल। 475 है, हाँ। है अपना धमतरी पासिंग है, 2018 मॉडल है। हाँ। कितना रनिंग होगा? ये रनिंग चला है 2300 घंटा के आसपास। 2300 घंटा। हाँ। क्या डिमांड रखे इसका? ये है अपना 4,500,000 रुपए का। 4,500,000 धमतरी पासिंग। धमतरी पासिंग इसका हुड वगैरह पूरा कंप्लीट करके टायर वगैरह सब डाल दिए इसमें नया, और पूरा बाकी। इधर आपके पास कैजुअल भी रहता है क्या सेकंड हैंड में? कैजुअल है, नांगर है, सब। क्या रेट होगा आपका ये कैजुअल सेकंड हैंड में? कैजुअल वही 5,000-7,000 रुपए का आ जाएगा। सॉरी नांगर, नांगर ही 15,000 रुपए का। 15,000। इधर ये ट्रॉली? ट्रॉली तो नहीं है, ट्रॉली है। क्या प्राइस है नए में? 1,75 कम्प्लीट पेपर हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक ट्रॉली, अच्छा पेपर बना के, पूरा पेपर बना के बीमा करके। इसके बाद और देखते हैं कुछ ट्रैक्टर और है इधर। ये अपना महिंद्रा का यूओ 575 DI, बताइए सर इसका। ये है अपना 575 महिंद्रा का है। पावर स्टीयरिंग के साथ में आएगा, टायर इसमें पीछे अपन नया डाल दिए हैं। अच्छा नया, कंप्लीट करके देंगे इसको अपन। कितना रनिंग होगा? ये है लगभग 2400 घंटा कुछ चला हुआ है। अच्छा मॉडल कौन सा बताया? 2017 का है। 17 का मॉडल है। क्या डिमांड है? ये आ जाएगा अपने को फाइनल रेट पड़ेगा 380,000 का। 380,000 में न्यू में क्या पड़ता होगा? नया तो लगभग 8 लाख के आसपास। 8 लाख के आसपास आपके पास। 380,000 कुछ नेगोशिएबल है प्राइस? हाँ एकदम सही रेट है उसमें, एकदम फाइनल रेट डाल रहा हूं। अच्छा फाइनल रेट है। यहाँ टायर वगैरह सब डाल दिए। ये है 415 भूमिपुत्र, बताइए सर। 415 भूमिपुत्र 2019 की गाड़ी है। चारों टायर अपन नया डाल दिए हैं। हाँ। बाकी इसमें जो है हुड वगैरह डालेगा, उसमें हुड बैटरी कंप्लीट डालेगा। ये आ जाएगा अपने को 4 लाख रुपए में कंप्लीट। 4 लाख में कंप्लीट देंगे। कितना रनिंग हुआ होगा? ये चला है 1600 घंटा चिप चला हुआ है। 1600। इसमें टायर्स तो चारों नए लगा दिए टायर। अच्छा अच्छा उसके बाद देखेंगे B275, बताइए इसका डिटेल। इसके भी चारों टायर है? हाँ इसमें भी चारों टायर अपन नया डाल दिए हैं। 275 है, 2019 का है, टीओ मॉडल है। और ये है ना, इसमें भी चारों टायर अपन कंप्लीट करके आ गई है। ये आ जाएगा 3,80,000 रुपए में। ये कितने एचपी में आता होगा? ये 39 HP का। 39 HP में कितना चला होगा ये तो चला है मात्र 1300 घंटा चला हुआ। 1300। इसके बाद है सोनालिका का DI-42, अपना बताइए। इसके भी चारों टायर नए? चारों टायर इसमें भी नया डाला हुआ है। ये कितने एच में होगा? 45 HP में आता है। हाँ। और 2017 की गाड़ी है। हाँ। ये मात्र 3,40,000 रुपए की। 3,40,000। 3,40,000। अच्छा बाकी ये रनिंग कितना हुआ होगा? वही 3200 घंटा कुछ चला है। 3200 घंटा सिर्फ। हाँ। ना अच्छा। और अभी है आपके पास कलेक्शन? कलेक्शन वही है अपना, एक ब्रांच और कुरुद में और है। वहाँ है गाड़ी, 4-5 गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, और कुछ कुछ आने वाली है गाड़ी अभी। अच्छा अच्छा स्टॉक आने वाली है क्या? देखते हैं वहाँ वीडियो बनाने जा सके तो बनाएंगे वहाँ का भी वीडियो। और जैसे कि कोई यहाँ आएगा डायरेक्ट, उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा यूट्यूब के थ्रू आएंगे तो? हाँ यूट्यूब के थ्रू अगर आ रहे हैं तो उसका अपन देख के उसमें बेनिफिट 10-20,000 रुपए का बेनिफिट अपन दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।